विराजमान हो जाइए, धन्यवाद। अर्चना जी, आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पे है, सबके पास इंटरनेट आ चुका है, या तो वो वीडियो देख रहा है या वीडियो बना रहा है। आप किसी आदमी को अपने वीडियो का एक लिंक भेजो, वो आगे से आपको दो भेज देता है, पहले मेरा देख। इतने लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाने वालों की नजरें ही ऐसी हो गई है ना, माँ बाप भाई बहन सब में कॉन्टेंट ढूंढ रहे हैं वो, है ना। बच्चा भी उसके पास आ रहा हो ना चल के, तो वाह नहीं खोलता, अपना मोबाइल खोला तो कॉन्टेंट आ रहा है। इतना ज्यादा कॉन्टेंट के पीछे पागल हो गई दुनिया। और कुछ लोगों को तो कंटेंट इतनी तेजी से आता है कि कहीं भी वीडियो कर देते हैं। मोबाइल पे कंटेंट बनाना तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ लोगों का अच्छा खासा टीवी पे शो चल रहा था फिर भी वो रील बनाने से नहीं हटते। ऐसे लोग भी हैं, और वो ऐसे लोग बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज। वाह, आइए। मेरी माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने बेटे का शो उसी में लेट आ रही मेरी माँ। हेलो, और भी कहीं केबीसी देखने गई थी? अच्छा, मैं तो बाहर बैठी थी। अच्छा, बाहर बैठे थे, कॉफी पी रहे थे। घर पे तो पीती नहीं कभी कॉफी, इधर आके कॉफी। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियो में देखो आप, बंदा खुद कह रहा होता है कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी किसी से कुछ मांगना मत, खुददार बनो, फिर अपने वीडियो खत्म होने के बाद बोल रहे होते हैं मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हर टॉपिक पे वीडियो बन रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन स्विमिंग सिखा रहे होते हैं, ये खुद स्विमिंग पूल के बाहर बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं स्विमिंग के लिए आपको तीन बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना आप पानी में नहीं उतरेंगे। दूसरा, आपका अंडरवेयर टाइट होना चाहिए, कहीं आपसे पहले वो ना उतर जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपको डूबना नहीं है। अगर आपने ये सीख लिया कि डूबना नहीं है, समझ जाओ आप तैरना सीख गए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, कुछ लोग टेक्निकल इश्यू सॉल्व करने की वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल को हैंग होने से कैसे रोकें। शुरू के 5 मिनट तो अपने बारे में बताता रहता है। हेलो, मैंने 2000 मोबाइल के ऊपर स्टडी करके ये वीडियो बनाया ताकि आपको मिल सके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। 10 मिनट तक जब आदमी को सोल्यूशन नहीं ना मिलता, वो फॉरवर्ड करके देखता है, उसके बाद फिर वो बोल रहा होता है मुझे पता था आप फॉरवर्ड करके देखेंगे, इसलिए मैंने सोल्यूशन अगले वीडियो में डाला है। फिर ऐसे लोगों के वीडियो में लाइक नहीं, गालियां आती हैं। गालियां आती हैं। अच्छा, ये तो खैर मजाक की बात, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं, ये यूथ सेंसेशंस हैं, तो चलिए उन्हें बुलाते हैं अपने मंच पे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम ताबड़तोड़ रैपर मिस्टर एमसी स्टैन। वेलकम वेलकम। यस, सुपर्ब। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। या थैंक यू एमसी स्टैन, बहुत ही पॉपुलर है और हमारे शो पे आज पहली बार आए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा शो जो है बच्चे जवान बूढ़े सब देखते हैं, देसी इंग्लिश। मैं पाजी जो हमारे बैठे हुए हैं पंजाब से, कसम खा के बताना एक लाइन को बताओ जो उन्होंने भी गाई। तो पाजी बच्चे बल्ले बल्ले करी जा रहे हैं, मजे लेने लाइफ के। लेकिन मेरा भाई इतनी यंग एज में इतना पॉपुलर हो चुका है अपने टैलेंट के माध्यम से, और क्या आपकी जर्नी है, सो इंस्पायरिंग ब्रो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग की दुआ है भाई लोग, बस कृष्ण भाई ऊपर वाले की दुआ है, वाले की दुआ है भाई, शुक्र है ऊपर। ये जो आप इतनी गहने पहन के घूमते हो, कभी पुलिस ने पूछा नहीं ये आपने खरीदे हैं कि खींचे हैं आपने कहीं से? भाई इधर कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। नहीं नहीं, आप पर आप ऐसे इतने गहने पहनते, बैंक में लॉकर नहीं मिल रहा आपको, क्या क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं भाई, अरे अच्छे लगते हैं आप पे, सूट करते हैं आप। भाई शुक्रिया भाई, मैं बहुत भलती चीजों से गुजर के आया भाई, लाइक बस्ती से, स्ट्रेट फ्रॉम बस्ती, तो पुणे से आया मैं, लाइक छोटा मोटा रैपर है आप लोग को मालूम रहेगा थोड़ा, अगर कोई जानता रहेगा तो। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े रैपर हो गए हैं आप। और ऐसे ही होता है आजकल, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मिसाल आपके सामने है, अरे भाई जैसे आप हर जगह बोलते हो ना कि ये मेरी करोड़ों की ज्वेलरी है, आज अगर हमारे शो में कोई लेडी आके आपको बोले मैं आपकी फैन हूँ, गले लगना चाहे, उससे गले मत लगना, आपकी चेन में निकाल लेंगी। वो बहुत ही टैलेंटेड लेडी है, चलते बाइक में से हेलमेट निकाल लेती लोगों के। अरे ओ, अरे एक और टैलेंट है। एमसी एक बार बताओ, जैसे रैपर लोग ये करते हैं है ना, तो अगर ये नहीं करते हो तो रैप फंस जाता है कहीं, इसके पीछे क्या? नहीं नहीं भाई, वो थोड़ा फील के लिए, हाँ थोड़ा फील के लिए, नहीं क्या। अर्चना जी ने मेरे को अजीब अजीब से सवाल बोलती हैं पूछने के लिए। मैं पूछना नहीं चाहता था, पर ये बोल रही थी जब आप ऐसे से करते हो, कभी ऐसा हो कोई आपके हाथ में प्रोटीन शेक दे गया हो कि आप मतलब कर तो रही हो, मिक्स कर दो इसको। ये तो मेरे को अजीब अजीब बातें बोल रही थी।
कहती है एमसी स्टैंड का अगर गाड़ी में है कभी वाइपर खराब भी हो जाए ना बारिशों में तो खुद ही कर लेता है अगर अरे हक के बाद अच्छा जोक्स अपार्ट कब शुरू किया आपने रैप करना भाई मैं स्कूल टाइम में लिखने का लाइक मेरे अब्बा मेरे घर वाले मेरे घर में ज्यादातर मैंने बचपन से कव्वाली सुने ला अच्छा मेरे को नहीं मालूम था बाहर की पब्लिक लाइक फॉरेनर ये सब कर रहे ने क्या मैं बोला इंग्लिश में क्या फट 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 कुछ तो राप 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 नहीं क्या भाई मैं बोला अरे पर ये कूल चीज है लाइक नहीं क्या ये मतलब और कुछ तो मेरे को रिलेट हो गया वो वक्त पे तो मैंने भी पीछा हूँ भाई हिंदी मातृभाषा वो वाला सीन है भाई मैं रूट्स को लेके कल्चर को लेके थोड़ा बाहर लेके जाना चाहता हूँ पर अच्छा किया आपने म्यूजिक की हर फॉर्म का अपना मजा है ये जो रैप करते हैं इसने स्टाइलिश कूल दिखते हैं कवाली में भी मैंने देखा मेहनत बड़ी लगती है कवाली में एक तो ये है कि बैठ के गाना पड़ता है और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ उठ के भागने में भी टाइम जाता है मतलब शेरवानियां पहन पहन के मतलब मैं तो बड़ा फैन हूँ कवाली सिंगिंग का भी सेम सेम पर बहुत अच्छा लगा एमसी स्टैन आप हमारे शो पे आए बहुत बहुत स्वागत है आपका और अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमानों को जिन्होंने सोशल मीडिया में अपने कंटेंट से खलबली मचा रखी है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम मिस्टर हर्ष गुजराल एंड डॉली सिंह जोरदार तालियां ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आप दुनिया के सामने चमकेंगे ही चमकेंगे भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है एक बात बताओ भुवन आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से अच्छा क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम ऐसा बोलते थे मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं सेम स्कूल में थे रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा अच्छा और वो दिन और आज का दिन है किसी ने बोला ही नहीं क्या किया अच्छा स्कूल में गया किसी ने बोला और झंडू बाम मैंने कहा लग जाऊं बहुत बहुत सिंपल नुस्खा था वो और वो ऐसा काम किया एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार फिर कोई बोलता उसके बाद कोई नहीं बोलता वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने यूट्यूब पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए अभी कितने हो गए भुवन अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद ओ वाओ पता है अर्चना जी भी यूट्यूब की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं यूट्यूब से भी कमाई शुरू करूं कमाई तो आप इनको कुछ टिप्स दे अरे मोनेटाइजेशन होती है आप तू करता है मैं तो नहीं करती मैं कहां भुवन गिव मी सम टिप्स देखा आ गई ना बात मैं आपको एक बार बताऊं इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए 30 दिन उसने काम किया 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना भड़क गई कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है आप बेचारा कितनी ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने वो बेचारा आई नहीं उसके बाद तो कोई टिप्स दे दो इनको मतलब ऐसे टिप्स आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए शॉर्ट्स तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो अच्छा शॉर्ट्स व्यूज तो आते ही आते हैं और बहुत व्यूज आते हैं पैसे भी कमा सकते हो मैम आप अपनी वीडियो जिसके चैनल पे डलवा दो आधे आपके सर भुवन के यूट्यूब चैनल का नाम है बीबी की वाइंस तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे आपका ठेका खोलने का भी मन था ये भी किस्सा है अच्छा मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ ज्यादा कुछ नंबर्स आ नहीं गए उससे पहले उनको लगता था कि मेरे ठेका ही है अच्छा हाँ क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं लड़का ऑनलाइन शराब बेचता है डब्लू और वी में फर्क नहीं था क्या बात है बहुत अच्छा अच्छा हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं ये इनका अलग ही फैन बेस है yes. अच्छा नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं गुजराल साहब बैठ के खाता होगा अच्छा इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब ऐसा लगता है अपने चार्टर से आया बंदा तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी अच्छा और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी जो मिल नहीं रही थी मिल नहीं रही थी मैडम अब सबको तो नहीं मिलती है ना एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था आप पता नहीं आप लोगों को पता कि नहीं पता मैं एक इंजीनियर हूँ तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था तो पहला इंटरव्यू में गया और पहला सवाल उसने पूछा अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब क्या देखोगे जाके मैं बड़ा परेशान था मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं
फिर तो उसने कहा कहता कोई लैन कोई मॉडम कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती. मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे. बात तो बिल्कुल ठीक बोली. तो फिर वहाँ नौकरी नहीं लग रही थी, फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो. लोग तो कहते ही रहते हैं. तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं. लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ. अच्छा. फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार की तुमसे बात नहीं करते. कईयों को तो आप विक्की कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं. नहीं सर, इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को. बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई. पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है हमारे बजट में नहीं आ रहा. तुम हमारी रेंज में आ जाते हो. मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई. अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है वो नहीं नहीं वो वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे. एक दिन मुझे बैठे 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 कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने. मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील. बहुत ट्रेजेडी है. पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं. अच्छा। और मम्मी मेरी टीचर रही है तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं. तीनों बहनें मेरी हाउसवाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउसवाइफ बन जाऊं. अच्छा. माहौल ही खराब है. उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था. अच्छा. हाँ, उसके बाद तो हर बच्चा चाहता है बचपन में. हर बच्चा डॉक्टर चाहता है. हमें लगता ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के डॉक्टर वैसे होता है. मैंने बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते. उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना. और ये हालत है मेरी, मतलब आज ठीक हुई है जाके. पर बहुत, पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं. डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा अच्छा कंटेंट बनाती हैं. आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं. तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है. तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है. अर्चना जी को पता होगा. अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई. तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया? बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही. हाँ नीदी, मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है. अच्छा. तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, टीचर बनो. तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? आर्ट्स को देखो, दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं. बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे. बहुत फैशन वैशन करने का मूड था बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी. आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को सबको फॉलो किया. डॉली और मैं मिले हैं इवेंट्स पे. तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते. अरे हम यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की पार्टीज में कई बार. अच्छा. हम एक ही कम्युनिटी वाले हैं ना. तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टीज में. मैं आपसे भी पहले मिला हूँ. मैं आया था ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले. ओ वाओ. आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए. जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए. अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है, फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है. जैसे भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है, कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वो ही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं. म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था. अच्छा. मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था. अच्छा. और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने. क्या बात है. तब मैं 22 साल का था शायद. तो म्यूजिक खैर वहाँ से आता है और अभी नया शो आया मेरा उसमें. थैंक यू मैम. उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे. तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा क्योंकि सीखने का गेम है सारा. और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे से सीखता जाएगा. अपने आप भगवान रास्ते बनाता जी, रहता है. जी जी. और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है. म्यूजिक का माहौल बनाया तो जैसे मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे. हैं? किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं सीरियसली, मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का. प्लीज डॉली हो जाए कुछ. आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मैं
किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में. एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरियां लिखती थी. ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं. आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है? हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर. देखिए लड़कियों की पकड़ लंबी होती है. तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर उधर किसी शो में. फिर तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कॉम्पिटिशन में. अच्छा वाओ. फिर मैंने गाया और तब नया नया वो रिकॉर्डर वो वॉकमैन आता था ना, तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ गा रही हूँ. फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कॉम्पिटिशन में गई तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ. मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना. एज अ म्यूजिक टीचर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ये गाना गाने के बाद कितने दोस्त रह गए थे? देखो आप अर्चना पंच मानने लग गई. और जो रहे वो आपके बहुत सच्चे बहुत अच्छे दोस्त होंगे. अर्चना जी सच बताओ ये ही नहीं दोस्त. बट ये गाना अभी सुनने के बाद मैं आपकी दोस्त और फैन हो गई. इन लोगों के साथ आया, मेरे को मालूम नहीं आप कौन है. हेलो हाय से कुछ नहीं होगा, उनको प्राइस बताओ तभी लेंगे वो. एक सेकंड, मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं खुद खरीद के लाई हूँ घर के लिए. बिकॉज़ यू नो प्लान से घर की वाइफ अच्छी हो जाती है. एब्सोल्युटली. कोई ऐसा प्लान है जिससे वाइफ अच्छी हो जाए? वाइफ अच्छी होने के लिए ना हस्बैंड को भी अच्छा होना चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली. सो प्लीज. एक तो एमसी स्टैंड की लिपस्टिक चुराती है, फालतू का ज्ञान बांटते हो. एक पौधा आता है जिससे लोगों की आंखें ठीक हो जाती है. थैंक यू डॉल. एक पौधा आता है जिससे लोगों की आवाज भी ठीक हो जाती है. बैड वन. और डॉली क्यों बोली? बस मन एक से सुनो, मैं पौधे लाई हूँ, तुम इनमें पानी दोगे. क्या होएगा पानी देने से? कि घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, तुमको पीसफुल लगेगा. बड़े छोटे पौधे हैं आप. तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली. तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा. मेरी आंखें भर आई. 10 साल हो गए पहली बार काम किया लड़की ने. बैठ, आज तुमने जो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज किया है ना, मैं अभी बोल के चैनल से निकलवाता हूँ तुझे बाहर. मेहमानों को ऐसे जवाब देते हैं, कितनी सुंदर लग रही तू आज. ताकि घर से नेगेटिविटी चली जाए, तुम्हें पीसफुल लगे इसीलिए. तो वो अपने माता पिता को क्यों नहीं कहती, वो चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से इतनी बड़ी नेगेटिविटी. ये पौधों के बीच में मेरे पापा कहाँ से बीच में आ गए? मैं वही तो बीच में आते हैं. मैं दोनों को रात को बाथरूम में बंद करके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ हमारी अलमारी के ऊपर सो रहे होते हैं. डर लगता है अकेले सोने. Actually, में पौधे ठीक करने हो तो पहले जड़ें ठीक करनी पड़ती है. क्यों आते हैं वो हमारे कमरे में? अरे वो अकेले डर लगता है उनको सोने में यार. उनको सोने में डर लगता है, वो जागते रहे हमें डर लगने लगता है. 9 बच्चे पहले हैं उनके. यार एक सेकंड, मैं आती हूँ तो मुझे देखिए तुम उनके पीछे क्यों पड़ जाती हो? गेस्ट आए हैं, है ना? लाइक गेस्ट आए हैं, मैं आई हूँ, अच्छे से इंट्रोडक्शन तो करवा दो. ये मेरी जो बीवी है ये यूट्यूब की उस एड की तरह जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते. ये आएगी आएगी बीच में. शी इज द वन. ये बेल आइकॉन जैसा मेरा पति हर बार बचता रहता है. वाह क्या बात. वेरी गुड, क्या बात है. हाँ तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, शादी क्यों किया? तुम्हें मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था. मैंने गुलाल लड़ाया, ये आके ना अपनी मांग में डालने करती, मेरी मांग भर दी, मेरी मांग भर दी. ऐसा कहाँ होता है? ऐसे कहाँ होता है, मैंने ऐसा बोला था, मैंने कहा ऐसे कभी होता है? अरे इन्होंने सुनी नहीं मेरी. इसकी 6-7 मूछों वाली बहनें ने जी जू एम्बुलेंस की तरह आ गई मेरे आगे पीछे. पता नहीं मैं सालियों से भी प्रॉब्लम है. सालियों से प्रॉब्लम होनी है मेरे को. ऐसी हरकतें करती नॉर्मल सालियां क्या होती, जीजा के जूते चुराती है राइट. इन्होंने पूरी बारात के जूते चुरा लिए. और स्टेशन के बाहर चारपाई लगा के भेजने लग गई. मैंने कहा इसकी शगुन ले लो. कहती शगुन नहीं जीजू, बिजनेस है हमारा.
यार ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहुत अच्छे से शादी हुई थी, इट वाज रियली नाइस। तो जाओ क्योंकि शादी में आप रिबन कटवा देना जीजा से, रिबन भी नहीं था, दादा के पजामे का नाड़ा बांध रखा था मैंने और दादा अंदर पकड़ के खड़ा था कि बेटा रिबन काटने की रस्म हो तो मैं बाहर आऊं। ऐसे घर में शादी हुई मेरी। ये भुवन बातें बना रहा, अभी शादी के पहले बहुत प्यार था, हम लोग रात रोज रात को आपके टीटू मामा के वीडियोस भी देखा करते थे। तुम खुद सोचो। अब खुद सोचो जो शादी के बाद टीटू मामा की वीडियो देख रहा है वो कितना प्यार करता होगा बताओ। जिस दिन मैं चली गई ना इस घर से सचमुच, उस दिन ये जाएगा मेरे मम्मी पापा के पास, उस दिन बोलेगा प्लीज वापस कर दीजिए अपनी बेटी को। जा जा मजाक ना किया कर। अपने मम्मी पापा को बोलो जाए बाहर, सोनू सूद को बोल के घर भिजवाता हूँ मैं। हेलो 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 गाइस एंड बेल्स, वेलकम टू माय वी व्लॉग। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने फ्रेंड से। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये मेरे फ्रेंड्स मिस्टर भुवन बाम। मम्मी क्या कर रही हो तुम? मम्मी मॉम बोल मुझे, मैं मॉडर्न हो गई हूँ। है ना, है ना। अरे इन लोगों से इंस्पायर होके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। इंस्पायर होके नहीं खोला है ये सोनी टीवी ने धमकी दी है कि इस बार अगर स्क्रिप्ट भूली ना तो वापसी की टिकट नहीं देंगे, सहारनपुर पैदल जाओगी आप। क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने इनसे इंस्पायर होके चैनल बनाया है, मंजू का मॉकटेल। हाँ, ये कैसा नाम है? अरे जब बीबी की वाइन हो सकती है तो मंजू का मॉकटेल ना हो सकता। मम्मी तुम करती क्या हो इस चैनल पे? इस चैनल पे मैं समस्या का समाधान करती हूँ, जैसे कि कौन सी समस्या का समाधान करती हो आप? जैसे कि आज की बात ले लो, आज मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि बरसों तक बेशरम होके अपने दामाद के यहाँ कैसे रहे। ऐसी तो हरकतें इनकी, अखबार वाले से झगड़ा कर रही थी, कहती खाली अखबार दे जाता बीच में वड़ा पाव डाल दिया कर। ये हरकतें करती है शर्मा जी। एक मम्मी तुम जैसा कर रही हो ना वैसा कोई चैनल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं तो फिर मैं ऐसा करूंगी डॉली के साथ मिलके कोलैब कर लूंगी। क्या? हाँ डॉली। मैं रेडी हूँ। हाँ थैंक यू डॉली। डॉली मैं और तुम मिलके ना एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसमें तुम मेरी बेटी बनना। हाँ हाँ डन। अगर तुम अच्छी बेटी बन गई ना तो मैं तुम्हें गोद ले लूंगी। अरे इस बेटी से तो जी भर गया है मेरा। एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरी एक माँ है, तो मैं ये कोलैब रिक्वेस्ट कैंसिल करती हूँ। हो गया? मैं रेडी हूँ, मैं माँ चेंज कर दूंगा, आप ठीक लग रहे हो। इसके पीछे आप मत पड़ो, कोलैब किया है कभी पहले किसी के साथ? अरे तेरे पापा के साथ कोलैब किया है ना, तभी तो नोनो पैदा हुए। कैसी बातें कर रही है बताओ। Guys, I'm really sorry. आप मेरी माँ को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ इस पे ध्यान दीजिए, ये आठवां अजूबा है दुनिया का। इग्नोर करिए। सुनो मैं ना मम्मी तुमसे बहुत लगा के तुमको मैं गांव भेज दूंगी वापस। अरे मैं तो खुद जाने को तैयार बैठी हूँ, बस यूट्यूब से पैसे आने शुरू हो जाए बस। मैं तो मजबूरी में यहाँ पड़ी हूँ। कौन सी मजबूरी? खाने की। अरे हर्ष बेटा। हाँ जी, हाँ जी, माता जी। तुम हमेशा बैठे रहो बैठे रहो, कहते रहते हो ना अपने व्लॉग में कि भाई मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर से हूँ। हाँ। तो भाई इसमें चौड़ा होने वाली कौन सी बात है? अरे कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती पहली मीटिंग? अरे हर कोई कहीं ना कहीं से होता है। मम्मी एक गले का कौवा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी बात बोल के खुद ही हंस रही हो क्या? अरे इन्हीं से सीखा है, अपनी बात खुद बोलते हैं फिर खुद ही हंसते हैं। और एक मिनट एमसी स्टैन बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ। अरे आपको तो शो जीतने के बाद बहुत पैसे मिले होंगे। हाँ। है ना, वो सारा पैसा मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगी। एक सेकंड, तुम्हें क्या पता इन्वेस्टमेंट के बारे में? हाँ, तेरे ब्याह पे 5,000 इन्वेस्ट किए थे, आज तक खा रहे हैं। है कि नहीं?
और भी कुछ बोलना बाकी है? अरे नहीं नहीं, एक रिक्वेस्ट करवानी है, एक मिनट प्लीज। आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए ना अपने फॉलोअर्स को कि वो मंजू का मॉकटेल चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक एक रुपया यूपीआई करें। मम्मी तू क्या बोल रही हो, गेस्ट है हमारे, क्या कर रही हो तुम यार? अरे पागली, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, एक एक रुपया देंगे तो हम मिलेनियर ना हो जाएंगे। सुनो, मुझे जरूरत है, पौधे के अंदर चलो तुम। अरे चौपर से चलेंगे, रुक जाओ। अच्छा ये शर्मा जी, सेल्फी स्टिक मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। अरे नहीं नहीं, प्रॉपर्टी की है। चलो नमस्ते, बाय 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 बाय। इनको हम जानते हैं, पीटाम बेबी, पीटाम बेबी, कैसा है? तो यूट्यूब वाले हैं शर्मा जी, आप लोग आए वो साथ में नहीं आए? कौन? एड। हमारे में एड नहीं आता, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपसे हम वादा करते हैं, आपको हम शेयर करेंगे। अच्छा? आपको लाइक करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे। उनका तो बेल आइकन पक्का दबा ही देंगे। अपने बारे में बताएं, थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जरूर जरूर। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाले। पता पता है, जिसका कपड़ा धंधा नहीं उससे तुम्हारा धंधा नहीं। टुडे आई हैव गॉट न्यू वन ब्रो। ओके, लेट्स हियर इट। कपड़े पे दाग देख के रोना नहीं है, जब तक हम हैं आपको अपना कपड़ा अपने हाथों से धोना नहीं है। पर आपके लिए स्पेशली, जब हम कपड़ा धोएंगे ना, उसके एवज में आप हमको पैसे मत दीजिएगा। क्यों? अपना वो दे दीजिएगा थोड़ा। क्या? बाम। क्या है कि अपना हाथ, कमर और बाबूजी का पीठ बहुत दर्द करता है। बाबूजी की पीठ क्यों? ना हमारे पास पत्थर नहीं है ना, उनको लेटा के उसी के ऊपर धोते। यही लाइफ में चलता है, लेकिन आपका कंटेंट हम देखते हैं। अच्छा होगा पता नहीं, वरना ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वैसे हम आपके साथ वो भी करना चाहते हैं। ये क्या इशारे कर रही है? कोलैब, कोलैब, क्या समझ रहे हैं आप? हम कोलैबोरेशन का बात कर रहे हैं। अरे बहुत प्रसिद्ध है ये, बहुत सारा फॉलोअर है इनका। हम भी फेमस हो जाएंगे इनके पीछे। उनको नहीं करना है तुम्हारे साथ कोलैब? पक्का नहीं करना है कोलैब। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप हमारा जो एमसी स्टैंड जी है ना, इनके साथ एक हल्का सा छोटा सा शादी करवा दीजिए ना। नहीं उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बहनों का थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्या फेरे के टाइम पे जूता चुराई करेंगे? और इनका जूता 80,000 का है। उतने पैसे में हमारी बहनों का घर आ जाएगा नहीं क्या? मेरा भी आ जाएगा। वैसे आपसे स्टैंड जी एक बात पूछना था। हाँ। आप कभी ऐसा बाइक चलाते हैं? हाँ। तो बाइक को जब रोकते हैं, हाँ, तो पहले बाइक का स्टैंड लगाते हैं या पहले खुद का स्टैंड लगाते हैं? देख रहे शर्मा जी, आप पहली बार कपिल शर्मा शो में आए हैं, खुशी से कितना लाल हो गए हैं। सर जी कैसे हैं आप? स्टैंड अप करते हैं आप जी? खड़े खड़े पैसा कमा लेते हैं? बैठे बैठे आसान नहीं होता ना। क्या इशारा किए हैं आप? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप खड़े खड़े पैसा कमाते हैं, आपको जानकर खुशी होगा। हमारे एक चाचा जी हैं, वो पड़े पड़े पैसा कमाते हैं। पड़े पड़े कैसे? मतलब मैकेनिक हैं, गाड़ी के नीचे पड़े पड़े पैसा कमा लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले का बात है, मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक भैंसिया है, उसको जरा क्या पेट खराब था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। अब हमारा चाचा जोशीला हाथ में पाना लिया, स्क्रू ड्राइवर लिया, वो भैंसिया के नीचे लेट गए। अब वो तो लेट गए, भैंसिया बैठ गई। चाचा तो भैंसिया को खोल नहीं पाए, लेकिन चाचा खुद पूरा का पूरा खुल गए। पर तुझे नहीं बैठना चाहिए था ना चाचा जी के ऊपर। शर्मा जी, हम एक नया बिल्ली पाले हैं, वो पंजा बहुत मारती है। अच्छा। ये क्या बात हुई? नहीं, आपने फालतू का बात किया तो उसके लिए हमने एक पालतू का बात किया। तो ये फालतू बातें करने आई है गुड़िया यहाँ पे? नहीं, हम बहुत ही संवेदनशील बातें करने आए हैं।
उससे कोई फायदा होगा नहीं। फालतू ही करते हैं, उसमें ज्यादा मजा है। सर आपको बताया, हमारा ना एक ऑनलाइन एक लड़के से मुलाकात हुआ है, वो भी ऐसा कुछ रैप वैप ऐसा करता है, बहुत ही क्यूट लड़का है। हम सोचे आप लोगों से मिलाते हैं, एक बार मिल लेंगे उससे, और फिर अगर ऊपर वाले का दुआ रहा और आप लोग का सबका अप्रूवल रहा तो बहुत जल्द फिर हम इनके गोद में बैठ भी सकते हैं। डॉली डॉली की गोद में क्यों, मतलब इनके गोद में मतलब डॉली में बैठ सकते हैं। वैसे सही है, आ जाओ आ जाओ। कहा लड़का, मैं बिहार से, झूठा कल तिहार से, झूठे केस में अंदर था, मेरे साथ एक बंदर था, यो यो बस स्टैंड। ओए हाय, कैसी कजाकिस्तान की चुड़ैल उठ के आई है, कौन है तू? परना यो यो बस स्टैंड नाम है इनका। यो यो बस स्टैंड, यो यो बस स्टैंड, बस स्टैंड। ये आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है, प्लीज नेक्स्ट शूट के लिए मैं यही हेयर स्टाइल करूंगी। अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब बड़ा अच्छे लग रहे हैं आप। ए इतना पूरा कितना इतना रैपिंग पूरा शरीर से कितना लीक कर रहा है, देख रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अंदर से तोता बाहर आ रहे हैं, हरा रेड है ना। कितना टाइम में सीखा है सब रैपिंग, बताइए ना। पाँच साल दो महीना में, पाँच साल दो महीना सीखा है रैपिंग? नहीं नहीं, रैप तो हम दो महीना में सीख गए हैं, ऐसा करना पाँच साल लग गया। फिर हमने इसमें वेल्डिंग करवा लिया, वेल्डिंग वेल्डिंग करा लिए। अब तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, किसी से 10 रुपया मांगते होंगे 6 ही मिलता होगा। हम बोल कर मांग लेते हैं, ए भाई 10 रुपया देना, कल वापस कर देंगे। ये भी ठीक है, लेकिन घर में तो प्रॉब्लम होता होगा कि अपने को लाइट का बटन ऑन करना है, साथ में पंखा भी ऑन हो जा रहा है। ये तो होता होगा। कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसे की जगह ऐसे ऑन ऑफ करते हैं। ये भी ठीक है, बहुत स्मार्ट लड़का चूज किया आप। भाई आप हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब अपने आप हो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। बहुत क्यूट है ये गमछा, आपका स्टाइल देखो कितना कमाल है। ये ऐसा यादगार के लिए गमछा रख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, 80,000 का गमछा है, इसमें तेरा घर मिट जाएगा, समझी छेमड़ी के। छेमड़ी के। अच्छा ये सारा बातें तो होता रहेगा, हमारे ऊपर कोई रैप तैयार किए थे ना हमारे लिए। हाँ। सुनाओ ना सभी को। ढिक चिक ढी, ढिक चिक। नहीं नहीं ये नहीं, रैप रैप। आज इसके बाद आएगा ना। अच्छा। ढिक चिक ढी, ढिक चिक ढी। खेत में ले जाके तुझसे गेहूं कटवाएंगे, खेत में ले जाके गेहूं कटाएंगे, यहाँ से सीधा पटना ले जाएंगे, यो यो बस स्टैंड। अच्छा है, नहीं रैपिंग अच्छा है, पर पटना ही काहे ले जाना है, इसके अंदर थोड़ा मालदीव्स डालिए ना। पटना में क्या है? आपको पता है डॉली जी यहाँ से सीधा घर जाएंगी। हाँ पता है तो। जब पता है कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ से सीधा घर जाएंगी तो आपको मालदीव बोल के शर्म नहीं आई? ये सही था, ये सही। ऐसा कैसा बात कर रहे हैं आप हमसे, कहीं धोखेबाज टाइप के तो नहीं है ना, धोखा नहीं देंगे ना हमें? अरे नहीं नहीं, हम इज्जतदार आदमी हैं, जब हम अपनी बीवी और बच्चों को धोखा नहीं देते तो तुमको क्यों धोखा देंगे बताओ? बीवी और बच्चे हैं आपके? हमको तो बोले थे सिंगल हैं। अरे नहीं नहीं, सिंगल बोले थे, सिंगल जो गाना गाते हैं, सिंगल भुवन भैया। जैसे क्या प्रॉब्लम ये है ना कि हम र नहीं बोल पाते हैं। या भी तो बोला र। नहीं नहीं, जब समझाना होता है तो बोल देते, वैसे नहीं बोल पाते। एक बार क्या हुआ, हम अपनी बीबी को बोले चलो सुहाग लात मनाते हैं, चाल लात माली में लेको। आप एक काम इधर आइए। हाँ। एक काम कीजिए, आपका जो घर है ना। हाँ? उसमें जो सोफा कुर्सी वगैरह सब है ना, वो 3 महीने के लिए कहीं भाड़े पे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जो हम आपके साथ करेंगे ना, आप 3 महीना बैठ नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ये डिक्चिक जी जो सुना है शादी शुदा है, रैप नहीं रैपटा देंगे आपको। आप लोगों की कुछ फोटोग्राफ्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते आए हैं, देखते हैं उनके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आए हैं। ये डाला है भुवन ने फोटो, पूरा ऐसे लिखा हुआ है।
away from the internet, work, city life and all the hustle bustle. I spent a few days in the... Oh, George, rehne do yaar. Aage comments padhte hain. Itni English kam padho. Apne juice shop ke liye mujhe ek ladke ki talash hai jo ganna chheel ke machine mein dal sake. Agar aap available ho to DM kare. Actually, lag raha hai ki tu ganna usme dal raha hai. Aapne bada bariki se dekha na. Machine mein? Haan. ऐसा ही होता है भुवन भाई बॉल गुम होने के बाद सब बच्चे तो अपने अपने घर चले जाते हैं वही ढूंढता है जिसकी बॉल होती है ताड़ी की तलाश में जंगल जंगल फिरता मनुष्य ओह ये और दिखाइए ओह कम ऑन ब्रो पीपल हु डन ऑल रॉन्ग विल फॉरएवर थिंक दैट बोथ इज अबाउट देम यार ये अलग सी इंग्लिश है ये आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं पहले मुझे लगता था सिर्फ शशि थरूर की इंग्लिश समझना मुश्किल है आपका कैप्शन पढ़कर लगता है आपकी भी समझना मुश्किल है जोश जोश में इन्होंने अपनी टी शर्ट ऑडियंस में फेंक दी अब ये वापस मांग रहे हैं एमसी स्टैंड बी लाइक भाई गेट के बाहर जिसकी भी लाल सेडान खड़ी है उसको हटा ले अपना ऑटो लगेगा हक्के भाई हक्के और दिखाइए शो के बाद बालों से बीटरूट जूस निकाल के पिएंगे क्या हिट वगा रे भाई और दिखाइए रियल हर्ष गुजराल कोई फेक हर्ष गुजराल भी है दैट स्माइल व्हेन यू सी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद वाला मैसेज ऑन योर फोन आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं वैसे क्या सैलरी का मैसेज आया था बैंक से आया था वो नहीं वो वाला आया था वो 5 रुपए नहीं आते पाजी वहां से कहां से गूगल पे से आ जाते हैं कैशबैक कैशबैक उस पे डाला था बंदा कितना भी कमा ले मगर 100 रुपए कैशबैक आ जाए तो ज्यादा खुश होता है लगता है लड़की ने इन्हें अपनी लोकेशन शेयर की है इसलिए खुश है मैं जब मीटिंग में होता हूँ मेरा ड्राइवर भी ऐसे ही रील्स देख देख के टाइम पास करता है और दिखाइए इनका पेमेंट आ गया है अब ये टपरी वाले को इस महीने का सारा उधार चुका देंगे और दिखाइए डॉली ने ये पिक्चर डाला फर्स्ट पिक्चर मी विद माय फ्रेंड्स सेकंड पिक्चर माय फ्रेंड्स लेफ्ट मी हैविंग द बेस्ट टाइम हियर इन बायरन बे ऑस्ट्रेलिया दिखाइए नीचे कमेंट्स माफी चाहूंगा मैडम पर मैं ये फोटो आज नहीं कल लाइक करूंगा ट्यूजडे को मैं चिकन अवॉइड करता इसको हक था भाई इसको हक था भाई पहली लड़की देखी जो फोटो के टाइम कैमरा में नहीं देख रही है पक्का ये मुर्गी उठाने का मौका देख रही है ऑस्ट्रेलिया की कोई बिल्डिंग दिखाओ मुर्गियां देखकर लग रहा है आप नासिक के पोल्ट्री फार्म में हैं और दिखाइए कैसे पता चलता है कौन सा मुर्गा है और कौन सी मुर्गी है किसने रिप्लाई किया जो आगे आगे चल रही वो मुर्गी जो पीछे पीछे चल रहा है वो मुर्गा और दिखाइए मोहन ये क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बीमार थे हाँ कोविड था कोविड हो गया था हाँ क्या बात कर रहे हो तीन बार कोविड हुआ या मुझे दो बार कंपटीशन नहीं है भाई आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं भाई कितनी भी बॉडी छुपा ले मच्छर फेस पे नहीं सही जगह चुन चुन के काटेंगे पीजी में जब रूममेट की गर्लफ्रेंड आती है तब मैं भी ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता हूं और दिखाइए योर ओपिनियन इज नॉट माय रियलिटी आइए नीचे कमेंट अच्छा लॉकेट कितना अच्छा पहना हिंदी वाओ आज नहीं पहना नहीं भाई वो थोड़ा उसका थोड़ा वो निकल गया है वापस अभी थोड़ा ये वाला चालू करेगा ओ रुपया थोड़ा चालू है भाई पेटी आ रही ले तो वाला पैसे आ रहे तो पैसे बनाते नहीं क्या बात है ब्रो गॉड ब्लेस आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं भाई अपनी मर्जी से झुके हो या चेन के वजन से झुके हो क्या पब्लिक बाल की वजह से जूता वाइट लिया है या जूते की मैचिंग के लिए बाल वाइट किए हैं भाई 80,000 के शूज में अगर सिलाई निकल जाए तो गली में ठीक करवाते हो या सर्जन के पास जाते हो और दिखाइए बिल्कुल गलत मत सोचना दोस्तों इंटरनेशनल ऑडियंस आई थी शो में
मराठी शो में बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों से लोग आने लगे जैसे यूएस यूके रशिया। खैर छोड़ो, थैंक्स फॉर ए वंडरफुल शो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गुजराल साहब ये सब करते हो आप बाहर जाके? इस फोटो में सेलिब्रिटी कौन है, आप या लड़की? लग रहा है हर्ष ने उसके साथ खिंचवाई है। सच में है ना? ऑडियंस नहीं है वो। अच्छा मैं एक जगह खाना खाने गया था, वहां रिसेप्शन पे थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। गोरे लोग कितने सीधे होते हैं, कोई भी आदमी अपने आप को सेलिब्रिटी बताता है तो मान लेते हैं। आपने तीन देशों के नाम लिखे हैं, यूएस यूके रशिया, बाकी दो देश के लोग कहाँ हैं उसका भी हिसाब दें। हिसाब दो भी बाकी दोनों का है। और दिखाइए। लो जी डॉली सिंह आ गई हैं। यार मेरी कोई खूबसूरत फोटो नहीं चूज करी यार। हाँ वो तो फिर है ही है। तुम डालो, हम चूज करेंगे। शाबाश, क्या बात है। वाह वाह वाह। Guys, my first time in business class. Visiting Australia for the T20 World Cup with Tourism Australia. आप क्रिकेट की फैन हैं? हाँ। तो आपने खुद बिजनेस क्लास की टिकट ली क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए? नहीं नहीं मुफ्त की थी। किसने स्पॉन्सर किया आपको? टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी। वाह यार हमें तो देते ही नहीं। हमें भी नहीं पाजी। ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी है। हमें दिल्ली की नहीं दे रहा टिकट। अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट पे 3 बार तो कुत्ते सूंघ के चले गए मुझे। क्यों? वो आते करने जाते हैं। मुझे लगा इनका कोई पेट होगा, मैं ऐसे ऐसे करने लगा, वो तो कहती है ध्यान से ऑफिसर है ये। मैं ऑफिसर है। तीन कुत्ते सूंघे, 2 औरतें सूंघ गई, उसके अलावा 3 मर्द सूंघे। और रोक के क्यों रखा हुआ? क्योंकि जूतों में मिट्टी लगी हमारे। अच्छा मिट्टी अलाउड नहीं है वहाँ पे बाजी। एक्चुअली हाँ मिट्टी सीड्स ये सब चीजों के लिए रोड रखा था, और बाहर सड़कों पे कर भी नहीं सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। $500 फाइन दिया, 25,000 का सुसु करके। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है बगल वाली सीट की फ्री कॉफी भी ने मिल गई तभी खुश है। मैम इतना खुश मत हो, ये बस नहीं प्लेन है, अपना सामान रख देने से वो सीट आपकी नहीं हो जाती। और दिखाइए। मुझे तो आज पता चला बिजनेस क्लास में सीट के साथ नल भी लगा हुआ होता है। अबे नल नहीं, वो लैंप है। हाँ जी और दिखाइए। खत्म यार, इतना मजा आ रहा था। अच्छा भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? अरे यार लव यू ब्रो, ये मुझे आज तक लगता रहता है। वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ क्या कौन सा? एक ब्रांड आया और ब्रांड ने बोला जी काम करना है, यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें, तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की top 10 न्यूज पढ़नी है। स्काईडाइविंग करते करते स्काईडाइविंग करते हुए न्यूज़ पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज़? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं। सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओह माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए, जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमराज रिग्ड है, सब जगह कैमराज लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था, तो बाहर जाके विदेश में किधर अपना मैसूर में। अच्छा हाँ, तो वहाँ गया मैं, उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन इन जगहों पे साइन कर दो। और वहाँ चेक करना था मुझे कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड। चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप हुई यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा, मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चला, वो चल रहा है काम, मोमबत्ती रगड़ी। फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। पॉइंट टू कहाँ है बताने के लिए, तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या, तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली।
अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ, वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन. हाँ. अब बैठा उसके अंदर और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर. अच्छा. जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश. हाँ. आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप. उनको दो चीज आती थी, रेडी रेडी. अच्छा. नॉट रेडी. अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस. और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में, कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे. मैंने ठीक है चलो बढ़िया. अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं. ओह माय गॉड. जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी. और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर. अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं. माय गॉड. मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ. फिर मैं बैठा और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, इतने में बीबी रेडी. मैंने कहा या रेडी कम. मेरे को यहाँ बैठना था. वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता. अब उसने जिप किया और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं. अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के. उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ. और मैं वहाँ उसके साथ हूँ, वो पीछे है जिप करके मेरे को खड़ा है. और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में मैंने जितने भी मैं ऐसे खड़ा हूँ. मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है. और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली. और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे. अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में. अच्छा. मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियाँ देखते हुए जाऊंगा. वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ और मैं बेहोश. बेहोश हो गए? क्योंकि क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना. हाँ. जो मैं पहनता हूँ. हाँ. उसके बिना दिखता नहीं मुझे. हाँ. उसके ऊपर ग्लासेस थे. अच्छा. स्काई डाइव ग्लासेस. उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती. और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो. तो मैं बेहोश हो गया. ठक करके आवाज आई गाल पे. वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे. बीबी बीबी इतनी जोर से मारा उसने. वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है. फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक. अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पड़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है हो गई खबर वबर सब बढ़िया है. और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी. हाँ. तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था थोड़ा सा, लैंड किया. अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज़ मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ. मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी. और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा. मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था. उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैंने तो कर दिया एक बार. एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक. कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टरिक्स लगे होते ना. हाँ. उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज. हाँ. उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है. मिनिमम 2 बार. फिर भाई आप सोचो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा ये फिर हुआ. तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे. हाँ. वो दूसरा टेक है. अच्छा. उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए. अच्छा. अच्छा. मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज. मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की. US भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया. मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू. कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो. मैं कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे. तो कितनी देर में नीचे आ जाता बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंड में सो गया था. 7-8 मिनट होंगे पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं. बड़ा मुश्किल काम है यार. डॉली आपके बारे में सुना है, आप किसी का भी एक्सेंट पकड़ लेती हैं? हाँ, अर्चना जी का एक्सेंट पकड़ेंगे आप? दो डायलॉग बोलने हैं आपको अर्चना जी के एक्सेंट में. मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे आप. मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे. बहुत बुरी कॉपी थी अर्चना जी, बुरा. ये तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू खुद बोल रहा है.
अच्छा आपने आज वो लॉकर नहीं पहना जिसमें हिंदी लिखा हुआ है? वो जो आप अभी फोटो में भी दिखाया था, वो आपने सामने वाले को ऐसे डायरेक्शन देने के लिए कि मेरा चाहे नाम इंग्लिश है लेकिन बात हिंदी में करो ताकि वो सामने वाला इंग्लिश में ना शुरू हो जाए ऐसा? ये भी सही है, मतलब बोल सकता, लेकिन मेरा विजन ऐसा हिंदी को लेके नहीं गया कि मेरे को फैलाने का है, नहीं हक से रिप्रेजेंट करता मैं हिंदी, नहीं कहलाई तो अगर हो सके तो भाई इंशाल्लाह अपन बाहर भी देंगे उन लोग को सब्जेक्ट। अच्छी बात है यार, मतलब प्राउडली है भाई, नहीं क्या मतलब मेरे को कोई देखने का ना ऐसे कि मैं हिंदी में ही बात करता, नहीं क्या थोड़ी थोड़ी आते हैं इंग्लिश नहीं ठीक है अपनी अपनी लैंग्वेज में, मैं लाइक बोलने का नहीं क्या पब्लिक के साथ में, मीटिंग में गया ना किधर डील क्रैक करने के लिए भाई, और अपनी पुणे के नहीं क्या थोड़े गली बस्ती के अपनी लैंग्वेज ही थोड़ी आड़ी है, हार्ड कैसेट थोड़ी, तो अपन एड़े चाले कर रहे थे भाई, नहीं क्या उधर बोले डील क्रैक करने का, मैं हिंदी में बात कर रहा, तो वो ऐसे हो गए थे थोड़े, नहीं क्या यार क्या सीन है, नहीं क्या या गॉट यू ब्रो, बस दो तीन वर्ड सीख डाला था ना क्या मैनेजर ने सिखाया, और मैं बोलने का कि यार हिंदी अपने को लेके जाने का, और मतलब जास्ती से जास्ती मतलब अपने यहाँ की पब्लिक ऑब्वियसली इससे कनेक्ट होंगी हिंदी, तो भाई सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, उसके लिए भाई अच्छी बात है, वो पेंडेंट बनाया था और रिप्रेजेंट कर रहा, बस बहुत अच्छी बात, लेके जाएंगे इंशाल्लाह इसका भाई हक से भाई। एक्चुअली क्या है भाई, ये प्रेशर के चक्कर में ज्यादा हो जाता है ना, हमारे भी माँ बाप ने बोला कि हम इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, पहले दिन वो जाके बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोलोगे तो फाइन लग जाएगा, आती होती तो आते क्यों, रोज का 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए हम लोग खाली बैठे उनके बच्चे आइसक्रीम खा रहे हमने और हमारे पापा ने तो टाइटैनिक भी हिंदी में देखी थी भाजी, है ना जहाज डूब रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अच्छा आर्टिस्ट को एक्साइटमेंट होता है ना तो पार्टी सॉन्ग बनाता है, उसको प्यार हो जाए लव सॉन्ग लिखता है, ब्रेकअप होता तो सैड सॉन्ग, एमसी स्टैन का एक रैप आया था खुजा मत उस वक्त आपको किस बात की खुजली हो रही थी जो आपने ये रैप लिखा आपने? है भाई खुजली तो नहीं हो रही थी था एक को गजकरण था उसके लिए बना लिया था नहीं नहीं बीफ चल रही थी एक के साथ में तो उस पर लिखा था, नहीं क्या तो खुजा मत सोना मत आएंगे जादू मेरे थोड़े झगड़े हो गए थे एक के साथ में, तो उसकी और मेरी बीफ चल रही थी, रैप गेम में डिस चालू रहता है, रैप इंडस्ट्री में थोड़ा डिस एक दूसरे के ऊपर नहीं क्या लिखने का रहता, थोड़े झगड़े बिगड़े हो गए तो नहीं क्या कि कंपटीशन है बोले तो, मतलब इरिटेट मत कर, मतलब डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, है ना, हां डोंट प्ले विद मी वाइस वाला सीन, आपकी प्रॉपर्टी गिर रही है आपका निकल के गिरा आपका ये है ना 1 करोड़, ये बहुत महंगा मैं ले लेती हूं मुझे दे दो यार। अच्छा हर्ष ने ना 3 साल स्टैंड अप करने के बाद पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे, इतनी लेट क्यों वीडियो डाला आप, ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाजी, होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया, जो पहले दिन डालने वाली वीडियोज होती वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं, तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो, तो उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोगों की, मतलब 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है, और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे, अगर वो चल जाते हैं तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। सो इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है? इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है, कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था, तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम, तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया, अब एक कपल था वो थोड़ा, तो मैंने कर दिया रोस्ट और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज़्यादा, और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से, और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम, मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में उसका मालिक, कह रहे गुस्से में लग रही है आप घर चले जाओ। अच्छा। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था, वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में वापस आ। अच्छा तो मैंने कहा कि क्या हो गया, ये तो कह रहा पुलिस बुलाने की बातें कर रही है, तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने पार्किंग लगाई थी वहीं लगाई, वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है, मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई। अच्छा मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था सॉरी, तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ, वो कहता है भैया बेबी ये आ गया अब इसका क्या करना है।
मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, क्या करना है? इतनी देर में पुलिस आ गई. मैंने कहा ये तो वही है. पुलिस वाला कहता क्या हुआ. इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकला मारा. कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है, चुटकला क्या होता है. मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ. मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा, ये वो. मैंने कहा मैं क्या करूँ. आप कहता सॉरी बोल दो. कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे. मैंने कहा ठीक है. मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी. वो थोड़ी पी रखी उन्होंने. मैंने कहा सॉरी सॉरी. मैं बहुत आगे चला गया. पुलिस वाले कहते ज़्यादा आगे मैं जा रैप्टा मार दी. 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ़ किया. पुलिस वाला कहता भाग 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 भाग. हर्ष कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं अपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, रिस्पॉन्स कोई आया ना हो, फिर घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं, वो होता है ऐसे कभी हुआ है? भाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है हाँ वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़ी. अच्छा. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी. अच्छा. सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चुचुचू करते थे नींद. चुचुचू. इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए. अमृतसर पाजी मैं शो करने गया. अच्छा. मेरे शहर में. आपके शहर में पाजी अलग ही खैर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है. मजा भी आता अमृतसर जाके. पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की. पुलिस? हाँ पुलिस बहुत बढ़िया. मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहाँ से, तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए. कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखता मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू. मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका. उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि पहचाना पाजी को, देख कर कहता कौन सी जेल में था. बहुत बढ़िया पुलिस है. अच्छा जैसे भुवन की सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे ना, जिसमें इनका एक डायलॉग है कि औकात से बाहर जाके काम करना या अपनी कैपेसिटी में, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने स्काई डाइविंग की कि सोचा नहीं था कभी करूंगा और वो न्यूज़ भी पढ़ूंगा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन करने का जज्बा कहीं ना कहीं से अंदर से आ जाता है. आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी से बाहर की बात थी, तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं. जी मैडम. हेलो कपिल. हेलो जी. हेलो असिस्टेंट. हेलो एवरीवन, माय नेम इज माही. माही कहाँ से आए आप? बॉम्बे से. अच्छा. कितना टाइम लगता है बॉम्बे से इधर आने में? जी भाई. माही बहुत बहुत स्वागत है आपका. ये आपके साथ कौन आया है? मिस्टर हस्बैंड है मेरे. अच्छा जी, क्या हाल है सर? बहुत बहुत स्वागत है. जी तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है. अच्छा जी. हम गए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए शिमला मनाली, फिर वहाँ से दिल्ली आए. एक्चुअली मैंने इरफान जी को बोला था कि मुझे दिल्ली से अभी आगरा भी जाना है. इरफान जी कौन? हमारे हस्बैंड इरफान जी. अच्छा आपने बताया नहीं पहले नाम ना. आप नाम बताना भूल गई इसलिए मैंने पूछा. जी अच्छा जी. फिर आपने क्या कहा इनको? इरफान जी. नहीं वो तो उसके बाद क्या कहा आपने? दिल्ली से मुझे आगरा जाना था. अच्छा जी. ठीक. तो इरफान जी ने कहा नहीं अभी आगरा नहीं जाना है, अब यहाँ से सीधा बॉम्बे चलो, बहुत अच्छा लंबा टूर हो गया, अब कहीं नहीं जाना है. अच्छा जी. तो फिर वही बात हो गई ना, मैंने बोला कि अब तो मैं आगरा जाके ही रहूंगी. अच्छा जी. फिर उन्होंने बोला, इरफान जी ने बोला अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तुम अब जाके दिखाओ आगरा. फिर मैंने भी ठान लिया, बस निकल गई दिल्ली की सड़कों पे और फिर बस में बैठा, पता चला कि यहाँ पे लेडीज फ्री टिकट है. अच्छा जी. बैठ गए और पहुंच गए जामा मस्जिद. इरफान जी की टिकट तो फ्री नहीं थी, इनका क्या हुआ? ये मिस्टर हमारे ये महाशय तो लेटे थे आराम से. अच्छा जी. अच्छा हनीमून हो चुका था ना आपका. तो फिर कैसे मिले आप? मुझे पता चला कि जो बस है ये सिर्फ दिल्ली में फ्री, आगरा तक नहीं जाएगी. ये बात इनको भी पता होगी कहीं भी चले जाए घूम के वापस तो आएगी. तो फिर गए आगरा के नहीं आप? सर मैंने इनको फोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं कुछ नहीं, मैं जामा मस्जिद में आकर मुझे ले आइए. फिर ये बोलते कि जैसे गई थी वैसे रिटर्न आ जाओ. कि आपकी तो टिकट फ्री है, उनके पैसे लग जाते. कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 2 ईयर कंप्लीट. बहुत बहुत मुबारक, अभी तो नई नई शादी है. थैंक यू सर. आप अभी से चुप हो गए, क्या हो गया? इरफान जी
बीवी के आगे कौन बोल सकता है? आपके लिए हमारी सद्भाव। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, धन्यवाद जी। ओके, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या तकलीफ, क्या है आपको? हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। ये एवरीवन है, अर्चना जी हैं। क्या नाम है ब्रदर आपका? अमित मिश्रा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे रिलोकेट हुआ हूँ। मैं दिल्ली में इंटर्नशिप करता था, तो वहाँ पे औकात से बाहर एक ऑफिस में एक लड़की थी। अच्छा। तो हमें पूरे पूरे स्टाइपेंड मिलते थे उस टाइम पे 4,000 रुपए। अच्छा। और पटेली मारने के लिए हमने बोल दिया दिल्ली की एक बहुत। क्या मारने के लिए? पटेली मारने के लिए। पटेली क्या? ऐसे ही फेंकने के लिए। फुकरी, फुकरी फेंकना। फेंकने के लिए। फेंकने के लिए हमने बोल दिया कि डेट वगैरह और घूमने के लिए, तो मॉल गए। हाँ, उसको दिल्ली में एक अच्छा मॉल है, वहाँ गए। मॉल में जाके जब वहाँ पे गए तो एक बड़े ब्रांडेड शॉप में वो ले गए। अच्छा। तो वहाँ शॉपिंग का बिल हुआ था 12,000 रुपए। उस टाइम पे मेरे पास मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड था। मैंने उससे बिल तो पे कर दिया, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं बनी अब तक का, उसका इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की अभी पता नहीं कहाँ है, बट जब सोचता हूँ उसके बारे में तो दो लाइन याद आती है। क्या? 12,000 और 1,000। अच्छा, क्या याद आता है आपको? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुद खुशी की सजा हमसे पूछिए। आगाज आसिकी का मजा आप लीजिए, अंजाम आसिकी की सजा हमसे पूछिए। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो कपिल सर। हेलो बाजी, क्या हाल चाल? हाय एवरीवन, मेरा नाम अनमोल है और ये मेरी धर्म पत्नी हरप्रीत। हेलो जी, वेलकम वेलकम। हमारी 3 दिन पहले ही शादी हुई है। हैं? अरे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। और आपका शो देखने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। हाउ स्वीट यार, शादी के तो हफ्ते तक तो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलता। आप 3 दिन हुए और आप शो देखने आए हुए। जी सर, बहुत बहुत मुबारक आपको शादी की। जी अनमोल जी, जैसे कि आप बात कर रहे हो औकात से बाहर वाली बात, तो एक छोटा सा किस्सा है मेरी जिंदगी का। अच्छा जी। मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, हाँ, तो मेरे को ये बड़ी हाई फाई क्लास की लगी। मेरे अच्छा को लगा ये मेरी औकात से बाहर ही है। फिर ये मेरे अंडर ट्रेनिंग में थी, तो 5-6 महीने नोटिस किया, बातचीत की, फिर इनको मैंने प्रपोज कर दिया। ट्रेनिंग में मतलब आप जहाँ काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपने इनको बीवी बनने की ट्रेनिंग दे दी? अगली आई काम सीख रहे। फिर मैंने इनको सीधा प्रपोज किया। अच्छा। तो इन्होंने बोला भी अकेली प्यार करने की औकात है या शादी करने की भी औकात है? अच्छा। तो मैंने कहा शादी करने की भी औकात है, तो इन्होंने मेरे से प्रेशर और डाल दिया मेरे ऊपर कि अगर शादी करनी है ना तो मेरे घर वालों से बात करो। अच्छा। वो मेरी कैपेसिटी के बाहर था। हाँ। क्योंकि इनके घर वाले मेरे को पता मानेंगे नहीं। फिर भी मैंने, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये सरदार लोग और हम हिंदू थोड़े से, तो फिर मैंने थोड़े से हिंदू क्या, देखिए इश्क थोड़ी ना देखता है फिर। हाँ बिल्कुल सर। फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया साथ के साथ और उनको बोला थोड़ी सी हाय हेलो करने के बाद भी, मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। वो एकदम से हैंग हो गई 2 मिनट के बाद। मतलब वो सोच में पड़ गई क्या जवाब देने। तो 2 मिनट बाद जवाब आया मेरे को, अच्छा आपको शादी करनी है इनसे? तो आपने नहीं की? तो मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं इनके पापा से बात करके ना आपको बताऊंगी। 1-1.5 साल तक यही चलता रहा, बताते हैं बेटा सोचते हैं। इनको लगा था भी ये भूल भाल जाएंगे, बच्चे हैं तो, भूल जाएंगे। लेकिन हम लगे रहे और इन द एंड हमारी शादी सक्सेसफुल हुई। चलिए बहुत बहुत मुबारक ब्रदर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए, थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू डॉली, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हर्ष। थैंक यू भुवन। लव यू बाय। लव यू थैंक यू बाय। लव यू बाय। जोरदार ताले हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। और शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने इतने प्यार से आज की शाम को एंजॉय किया। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.